शिक्षा आवर टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर लिंग्विस्टिक दैट इज कॉल्ड एडवर्ड सैपिर। इससे पहले भी हमने लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक के बहुत सारे और भी राइटर्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू एडवर्ड सैपिर। एडवर्ड सैपिर का बर्थ 1884 में हुआ और उनकी डेथ 1939 में हुई। ये एक अमेरिकन जैविस थे और जिस टाइम पे इनका यूथ चल रही थी उस टाइम पे जैविस को लेकर बहुत सारी फाउंडेशन थी अमेरिका में। ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे और उसके साथ साथ ये क्या थे, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिंग्विस्टिक थे। अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो लैंग्वेज और कल्चर दोनों के बारे में दोनों के लिंग्विस्टिक के बारे में रिसर्च करे और हमारे आगे प्रेजेंट करे, यानी कि कल्चर और लैंग्वेज को साथ साथ लेकर चले। ओके, ही वाज द फर्स्ट चीफ एथ्नोलॉजिस्ट फॉर जियोलॉजिकल सर्वे। ये पहला चीफ एथ्नोलॉजिस्ट था जियोलॉजिकल सर्वे में, क्योंकि इससे पहले ऐसा क्यों था, फर्स्ट क्यों था, क्योंकि इस एडवर्ड सैपिर से पहले अमेरिका में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर कोई भी ना रिसर्च हो रही थी और ना ही इसका कोई इतना एग्जिस्टेंस था कि मतलब लैंग्वेज और कल्चर को इकट्ठा जोड़ा जाए, इसलिए ये फर्स्ट चीफ रहे हैं इस डिपार्टमेंट के। ही डेवलप अ बेसिक स्टेटमेंट ऑन द जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा बेसिक स्टेटमेंट थी जो जेनेटिक रिलेशन था जो नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज का, वो ढूंढा पायनियरिंग, मतलब कि उसको डिस्कवर करा मॉडर्न थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक के। ओके, नेक्स्ट ऑल लैंग्वेज सैपिर बिलीव दैट। लैंग्वेज को लेकर इनका क्या विश्वास था, लैंग्वेज को लेकर ये कहते हैं कि लैंग्वेज शेप ह्यूमन परसेप्शन, कि जो ह्यूमन की जो परसेप्शन है वो जो मान लेता है जो हाइपोथेसिस है या एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, कि जो लैंग्वेज है वही शेप करता है कि ह्यूमन बींग क्या हाइपोथेसिस क्या इमेजिंग कर रहा है, क्या परसेप्शन रख रहा है एंड डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, और वही हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नॉलेज कराता है कि एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, लैंग्वेज के थ्रू हम ये जान पाते हैं। ओके, अब जो सैपिर वोर्फ हाइपोथेसिस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली इसी यही जो स्टोरी है इसी से रिलेटेड है मेनली हमारा टॉपिक, जिसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई गई है। अब जो सैपिर वोर्फ हाइपोथेसिस थी उसमें मेनली दो राइटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, एडवर्ड सैपिर का और बेंजामिन वोर्फ का, और इन्हीं के नाम पर ये थ्योरी का नाम रखा गया है। एडवर्ड क्या कहते हैं, एडवर्ड कहते हैं, एडवर्ड सेज ह्यूमन बीइंग डू नॉट लिव इन सोसाइटी अलोन, कि मतलब ऐसी एक बात किसने और बोली थी, रूसो ने बोली थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि वो बिना जो सोसाइटी है उसके बिना नहीं रह सकता। तो सेम चीज ये एडवर्ड भी कहते हैं, एडवर्ड सेज ह्यूमन बीइंग डू नॉट लिव इन सोसाइटी अलोन, कि अकेला नहीं रह सकता। ही सेज मैनी थिंग्स प्रेजेंट इन सोसाइटी, वो कहता है कि जब हम मतलब पैदा होते हैं तो उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जब हम अगर हमारा बर्थ हो रहा है तो तभी से डिसाइड करते हैं कि अगर कोई गर्ल हुई है तो डिसाइड करेंगे कि इसके लिए गुड़िया लेके आनी है, अगर कोई लड़का हुआ तो इसके लिए कार या कोई और टॉय लेके आना है। तो मतलब बर्थ के समय से ही डिसाइड कर देते हैं कि किस इसकी ये चीजें हैं, इसकी ये चीजें हैं, अगर लड़की है तो इसके लिए ऐसी ड्रेस लेके आनी है। वैसे आजकल बहुत सारी जो कंसेप्शन है वो चेंज हो चुकी है, बट कहीं कहीं पर आज भी हमें देखने को मिलती है। तो वो सारी जो कंसेप्शन है जो ऑलरेडी सोसाइटी में प्रेजेंट होती है व्हेन वी बोर्न, तो उन सोसाइटी के कंसेप्शन के बेस पे या जो प्रेजेंट है उनके बेस पे जब हमारा बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो चीजें है वो पुट कर दी जाती है हमारे माइंड में, तो उन चीजों को बोला है कि वही चीजें हैं वो हमारी थिंक क्रिएट करती हैं और वही हमारा बिहेवियर भी तय करती हैं। ओके, दीज इंटरप्रिटेशन डिसाइड हाउ वी व्यू द वर्ल्ड, और यही जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन मतलब ये जो चीजें हैं जो किसी से हमने एडप्ट कर ली हैं या अपने अंदर ले ली हैं, यही फिर डिसाइड करती है
कि हमें एनवायरमेंट को या वर्ल्ड को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आपकी फैमिली में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है या आपका जो सोसाइटी वो ज्यादा सब पे निगाहें रख रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये है वो है, ये ऐसे पहन रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो हमारी थिंकिंग भी वैसी ही क्रिएट हो जाती है। बट अगर हम उनसे बाहर आके एक ऐसी सोसाइटी में या ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहां पर की चीजें ओपनली होती हैं और कोई भी मतलब टांग झांक नहीं करता, तो हमारी सोसाइटी या हमारे जो बच्चे होते हैं वो उस हिसाब से डेवलप होंगे। तो वर्ल्ड को देखने का नजरिया कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी की, जहां पे हम रह रहे हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा है, ये बोला है सैपियर ने। ओके, अंडरस्टैंड मींस सोसाइटी पुट थिंग्स इन आवर माइंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, यानी कि सोसाइटी पुट करती है चीजों को जैसे वो चाहती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो तभी बोलते हैं कि बेटा राम राम करो, बेटा नमस्ते करो, तो सबको वो जय करना ऐसे करना वो सीख जाता है तभी से। तो सोसाइटी ने फिट कर दिया कि जितने भी जो आपसे बड़े हैं उनको आपने नमस्ते करनी है, जय करनी है, जो भी मतलब आपके हिसाब से, या राम राम जो भी करनी होती है, तो वो सोसाइटी ने उसके अंदर भर दिया है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा जो वो नहीं कर रहा है तो सोसाइटी कहेंगी उसको, यार उनका बच्चा बड़ा वैसा है, नमस्ते भी नहीं करता। ठीक है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही मतलब चीजें जो है वो पुट कर दी जाती हैं और वो हमें एट लास्ट करनी भी पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट सैपियर-वुल्फ हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद टू प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल, दो सिद्धांतों पर मेनली बेस है इनका, दो सिद्धांत। पहला है लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म। डिटरमिनर का मतलब ऐसे होता है निश्चित करना। ठीक है, लिंग्विस्टिक मैंने पहले मैं बता देती हूँ कि जो लिंग्विस्टिक है वो मैंने फर्स्ट वीडियो जो नोम चमस्की के ऊपर जब लैंग्वेज की अपलोड करी थी लिंग्विस्टिक के ऊपर, तो उस टाइम पे मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया था कि लिंग्विस्टिक क्या होता है। ओके, तो लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म का मतलब होता है कि जो लिंग्विस्ट मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वो एक निश्चित कर दिया गया है पहले से ही, और ये स्ट्रॉन्ग वर्जन बोला गया है सैपियर ने। एंड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, यानी कि इसमें चीजों को हम खुद रिलेट करते हैं, इसको वीक वर्जन बोला गया है। ओके, तो फर्स्ट में इन लैंग्वेज डिटरमिनेशन, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग ही बता दिया, लैंग्वेज डिटरमिनेशन से हमें क्लियर हो जाता है कि कोई चीज निश्चित कर दी गई है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है और जो वे है व्यू का, हमारी थिंकिंग का अबाउट अदर, वो किस पे डिपेंड हो जाता है? दूसरों पे। जैसे गर्ल है वो पिंक के लिए बनी है कि पिंक ड्रेस होनी चाहिए, पिंक बैग ले लेते हैं। जो बॉयज हैं उनके लिए ब्लू ब्लैक डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी जो हाइपोथेसिस होती है, मतलब जो चीजें जो परसेप्शन कह सकते हैं, हाइपोथेसिस तो नहीं उनको मतलब कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी सोसाइटी में हैं, एग्जिस्ट हैं, तो उनके बेस पे जब हम सोचते हैं कि मान लिया कहीं पर लड़कियों को 12 के बाद नहीं बाहर भेजा जाता, तो उनके बेस पे ही सोचना, जो परसेप्शन बनी हुई है कि लड़के को जॉब करनी ही है, लड़की घर में रहे, ये जो परसेप्शन होती है इन्हीं के बेस पे, जैसे दूसरे सोच रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना, जो चीजें निश्चित है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, बट इन लैंग्वेज रिलेटिविटी वी, इस लैंग्वेज रिलेटिविटी में जो व्यू होते हैं वर्ड के वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? विदाउट लैंग्वेज इट इज डिफिकल्ट। अब देखो लैंग्वेज के बिना तो मुश्किल है कम्युनिकेट कर पाना। ओके, जैसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो ये मुश्किल है कि कोई लैंग्वेज तो होनी चाहिए। ओके, वैसे तो गेस्चर भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होती है, बट लैंग्वेज तो नेसेसरी है। ओके, तो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी रहती है और सभी सोसाइटीज के अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं। जैसे किसी की लैंग्वेज मराठी है, किसी की गुजराती है, किसी की लैंग्वेज में बोलते हैं ठीक है, केम छो, कैसे हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, तो सभी के वर्डिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जिस तरीके से वर्ड डिफरेंट होते हैं उसी तरीके से जो सी है, जो मतलब कि जो वर्ड अगर डिफरेंट होंगे तो जो थिंक है वो भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और वो उस पॉइंट किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि हम सभी पूरा वर्ड एक ही सेंटर से सोचे, इसमें है कि वर्ड्स के हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है चीजें। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज है वो एक ऐसी पावर है जो कंट्रोल
करती है होल वर्ड को, यानी कि पूरे वर्ड को कंट्रोल करने की कैपेसिटी किसके अंदर है? लैंग्वेज के अंदर। आई होप कि ये सब आप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली और वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अभी हमारा जो यूनिट चल रही है वो लिंग्विस्टिक की है, तो इसके आगे भी अगर कोई और इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक है तो हम उसी के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी जो दो यूनिट है हमने कंप्लीट कर दी हैं कल्चर स्टडी और क्वेयर थ्योरी के ऊपर, वो आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।